क्लासिक वे में एक मॉडर्न टेक्सचर है, ये आउट ऑफ इंडिया का टेक्सचर है। गाइस ये रहा फर्स्ट वीडियो, लास्ट भी यही है लेकिन ये फर्स्ट वीडियो, लास्ट में बताऊंगा कितने से बोला मैं। चलो मार्किंग, मार्किंग के बाद में कॉफी पेस्ट किया मैंने, और ये बर्जर का पेस्ट कुकी पाउडर कुकी में जाके मैं एक मोटा वाला पेस्ट लुक भी दिखा दूंगा, क्योंकि बीच का कंप्लीट नहीं हुआ लुक दिखा नहीं पाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेगा तो इसका डिजाइन पूरा कैसा दिख रहा है तो आप समझ पाओगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल भद्रा क्वालिटी। गाइस ये रहा उसका बीच का टेक्सचर वाला डिजाइन है, ये पेस्ट पुटी और पाउडर पुटी मिसा के बनाया गया है। इसे आप इस तरह आप जस्ट जस्ट कहीं पे लगा कर थोड़ा देर के लिए रखने देंगे। रखने देने के बाद में आप उसको जिस तरह पुट्टी टाना जाता है उस तरह ऊपर ऊपर हाथों से टानेंगे, मोटा रखेंगे क्योंकि पतला रखेंगे तो उसको अगर सैंड पेपर मारोगे वो कट जाएगा, ज़्यादा मोटा रखोगे तब जाके वो कटेगा नहीं। ये रोस्टिक पुट्टी से नहीं, पेस्ट पुट्टी से बनाया जाता है। रोस्टिक पुट्टी में टेक्सचर ज़्यादा हो जाता है, ये पेस्ट पुट्टी में बेहतर होगा। तो ये एक मॉडर्न क्लासिक टेक्सचर वर्ल्ड है ना, तो ये 2D एनिमेशन 3D एनिमेशन के टेक्सचर के साथ में बनाया जाता है। तो ये गाइस वीडियो, इसका जो फर्स्ट वीडियो आप शायद खोज रहे होंगे, फर्स्ट वीडियो के बाद सेकंड वीडियो बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि इसका बीच का जो डिजाइन है ना वो महत्वपूर्ण है, मतलब कि ये कम्प्लीट एक डिजाइन आपको दिखाना है मुझे, क्योंकि बीच का डिजाइन दिखा नहीं है तो इसके वजह से मुझे डिलीट फाइल्स की फोर्स की इसके बीच का वीडियो निकाल के आपको दिखाया गया। तो फर्स्ट वीडियो नहीं दिखे तो जाके वीडियो चेक करके देख सकते हो, या ना तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ पे देख सकते हो। तो मैं अभी इसके बाद में थोड़ा देर का छोड़ देने के बाद में मैं अभी इसको टान रहा हूँ, पुट्टी जैसे टाना जाता है वैसे इसको टानना है ऊपर ऊपर हल्के हाथों से टानने के बाद में इसका सरफेस तो टेक्सचर टाइप का क्लियर हो जाएगा। आपको बहुत सारा इसका वीडियो मिला होगा लेकिन ये इजी प्रोसेस है और कम मटेरियल खर्चा है, ना तो आपको अगर हैवी मटेरियल खर्चा है तो इसका बहुत सारा टेक्सचर का मटेरियल आता है अलग से, वो भी मंगा सकते हो। ये सिंपल आपको नॉर्मली पुट्टी में बना दे, कोई सा भी एवरीथिंग पुट्टी वाटर पुट्टी पेस्ट जो भी बना सकते हो। इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अलग वीडियो में और भी क्रिएटिविटी आने वाला है। गाइस सैंडिंग होने के बाद में हम लोग प्राइमर मार रहे हैं, प्राइमर भी मशीन में मारेंगे। प्राइमर का प्रोसेस ये होता है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं और सेंटर, इस तरह मारोगे आपका प्राइमर कहीं पर छूटेगा नहीं। ऊपर हाथ से मार दोगे, नीचे हाथ से मार दोगे, साइड ये साइड मार देने के बाद में सेंटर मार देंगे क्लियर। तो साइड से टेक्सचर है ना, साइड से छूट जाएगा, एक जरा भी छूटेगा ना वो दिक्कत करेगा आपको बाद में। तो हो गया, इसके बाद में हम लोग मारने वाले हैं सेम कलर, मार देने आते हैं फिर इसके ऊपर मारेंगे लाइट कलर के बाद में टेक्सचर कलर के हिसाब से मारेंगे। तो लाइट डीप कलर मार देते हैं क्योंकि हम लोग का ग्रे है, लाइट कलर मारेंगे उठेगा नहीं। तो गाइस ये रहा आपका टेक्सचर का डिजाइन, ये लिविंग रूम के हिसाब से खतरनाक लुक दे रहा है। तो गाइस ये लाइट कलर मार चुके हैं, ये रहा उसका डिजाइन। ये आप ले लेंगे फॉर्म, सोफे वाला फॉर्म ले लेंगे, लेने के बाद में हल्के हाथों से इसे ऊपर से जस्ट मार देंगे, इस तरह आप मार सकते हो बस। देखिए इस तरह जो आपको टेक्सचर दिख रहा है, तो गाइस ये टेक्सचर मेरा क्या हुआ ना, मैं थोड़े से पतला मटेरियल रखने के बाद में इससे गलती हुआ कि पतला मटेरियल रखने के बाद में थोड़े से कटिंग के बाद में ये कम दिख रहा था मुझे। इसके बाद ना मैं कलर में इसको एडजस्ट किया हूँ, कलर के हिसाब से ये और थोड़ा मोटा दिया गया था क्योंकि जब इसमें पेपर मारा हुआ ना ये कट गया बहुत ज़्यादा। बस ये रहा उसका कंप्लीट काम, मैं दिखा देता हूँ आफ्टर लाइट इफेक्ट साथ में किस तरह दिख रहा है, वो देख के जाना जरूर। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीकली वीडियो आने का कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो का कुछ टाइमिंग ठीक नहीं है, हफ्ते में एक या ना तो जब वीडियो डालूँगा उससे 7 दिन के बाद फिर एक वीडियो डाल दूँगा, इस तरह वीडियो आएगा आपके पास। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो
प्लीज़ दोस्तों के पास शेयर करें। ये भद्रक वॉल क्रिएटिव का काम है और कुछ नहीं, बस सपोर्ट करते रहना। सपोर्ट करेंगे तो इससे बेहतर बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा। और भी एक धमाके वाला वीडियो है जो बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी, वो भी बुद्धा वाला है। लैंप लाइट शायद डाल दूँगा शायद, उसके बाद आएगा और एक क्रिएटिविटी वाला नेक्स्ट वीडियो। बस आप बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, अगर किसी को मेरे हाथ से काम कराना है तो उसको शेयर कर दें। उन्हें मिस्त्री मिलते होंगे तो अच्छी बात है, या तो हम लोग कर देंगे जाके। ये सिर्फ थोड़ी सब है।